नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस लेडी डॉन की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने पति के हत्यारों को चुन चुन कर मारा था। बताया जाता है अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद उसका और उसके बच्चों का बचना मुश्किल होता। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं संतोख बेन की। संतोख बेन का जन्म 1949 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उनके पति का नाम था सरमन मुंजा जडेजा। दोस्तों, सरमन मुंजा जडेजा पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। उनकी चार संतानें थी और चारों बेटे थे। उनका नाम था करण जडेजा, काना जडेजा, भोजा जडेजा और कांधाल जडेजा। संतोख बेन का पति महाराणा मिल में काम किया करता था। एक दिन कहते हैं मिल के वर्कर्स ने मिल में स्ट्राइक कर दी। इस स्ट्राइक में सरमन मुंजा भी शामिल था। वर्कर्स सरमन मुंजा का हर कहा मानते थे। स्ट्राइक लंबी चली जिससे मिल के मालिक का धंधे में काफी नुकसान हुआ। मिल में हड़ताल खत्म करवाने के लिए मिल के मालिक ने एक लोकल गैंगस्टर का सहारा लिया। उस गैंगस्टर का नाम था देवू वाघेर। वर्कर्स की हड़ताल में देवू वाघेर भी शामिल हो जाता है और वहां मौजूद वर्कर्स के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। जब सरमन ने यह सब देखा तो वो अपने अन्य आदमियों के साथ मिलकर देवू वाघेर को ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इस झगड़े में गैंगस्टर देवू वाघेर की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद से ही सरमन मुंजा का इलाके में नाम हो गया। सरमन मुंजा शराब के धंधे में भी उतरा। उसके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। जैसा सरमन इलाके के लोगों को करने को कहता वैसा वो करते। सरमन का पॉलिटिशियंस के साथ भी उठना बैठना हो चुका था। कहते हैं स्वाध्याय आंदोलन के पांडुरंग शास्त्री से प्रभावित होकर सरमन ने अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा था। वो अब लड़ाई झगड़े से पूरी तरह दूर हो चुका था। लेकिन क्राइम के रास्ते पर चलते चलते सरमन ने अपने दुश्मनों की कतार बढ़ा ली थी। उसको नहीं पता था कि इसी वक्त का तो उसके दुश्मन इंतजार कर रहे थे। दिसंबर 1986 में काला केशव नाम के बदमाश ने पुरानी रंजिश के चलते सरमन मुंजा को मरवा दिया। वहां की जनता में दहशत का माहौल छा गया। सरमन को मारने के बाद उन लोगों ने संतोख बेन और उसके बच्चों तक को मारने की धमकी दे डाली। संतोख बेन हमेशा से अपने पति के कामों से दूरी बनाकर रखती थी। उसका पति सरमन ही लोगों की परेशानी को दूर किया करता था। लेकिन जब बात संतोख के बच्चों पर आ गई तो अब वो कुछ भी करने को तैयार थी। उसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार था। संतोख बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन मेयर समाज ने संतोख बेन का बढ़ चढ़ कर साथ दिया और उसके साथ ढाल की तरह खड़े रहे। संतोख बेन के अंदर हिम्मत जाग जाती है। संतोख बेन ने अपनी गैंग तैयार की। उसके पति के साथ ही संतोख बेन को अपनी बहन मानते थे। उन्होंने संतोख बेन का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। संतोख बेन की रडार पर उसके पति के कातिल काला केशव और उसकी गैंग के लोग थे। संतोख बेन ने उसकी गैंग के 14 लोगों को मरवा दिया। लोगों में संतोख बेन का नाम हो गया और उसको गॉड मदर कहकर बुलाया जाने लगा। लोगों ने संतोख बेन की पूरी सपोर्ट की। 1990 को जनता दल से संतोख बेन MLA भी रही। 35,000 वोटों से संतोख बेन ने जीत हासिल की। बताया जाता है संतोख बेन की गैंग में 100 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। 1995 तक संतोख बेन गुजरात विधानसभा की सदस्य चुनी गई। उससे पहले तक पोरबंदर की उस विधानसभा सीट से कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई थी। अगर मीडिया की माने तो कहते हैं 80 के दशक के आखिरी सालों में संतोख बेन का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड तक था। उनका करीम लाला के साथ संबंध था। 1996 के आते आते संतोख बेन का दबदबा कम होने लगा था। सतीश शर्मा नाम के पुलिस ऑफिसर ने संतोख बेन को पहली बार अरेस्ट किया। वहीं संतोष शर्मा ने मीडिया में संतोख बेन की गतिविधियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वसूली, स्मगलिंग और कत्ल के मामलों में संतोख बेन का नाम टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में था। रियल स्टेट और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी संतोख बेन ने पकड़ मजबूत कर ली थी। कहते हैं इसी के चलते बड़े बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस ने संतोख बेन का साथ दिया। 90 के दशक की शुरुआत में उसके गिरोह के खिलाफ लगभग 525 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। 16 महीने संतोख बेन जेल में भी रही। जेल से रिहा होने के बाद संतोख बेन राजकोट चली जाती हैं।
2005 में पोरबंदर नगर पालिका के पार्षद केशु उड़ेदरा की हत्या में भी संतोख बैन का नाम आया। इसमें भी उनकी गिरफ्तारी हुई। जनवरी 2007 में संतोख बैन के 23 साल के भतीजे नवघन अरसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2008 में संतोख बैन एक और बार चर्चाओं में आती है। उनके बेटे ने जब अपनी भाभी रेखा का कत्ल कर दिया था। आपको बता दें, रेखा कांधाल जडेजा की पत्नी थी। कहते हैं संतोख बैन रेखा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जिससे करण नाखुश था और इसी के चलते करण ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। 1999 में गॉड मदर नाम की मूवी आई थी, जिसमें संतोख बैन की भूमिका शबाना आजमी ने निभाई थी। शबाना आजमी की उस फिल्म में परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। फिल्म में जिस तरह संतोख बैन को पेश किया गया था, उससे वो खुश नहीं थी। 31 मार्च 2011 को पोरबंदर गुजरात में दिल का दौरा पड़ने से संतोख बैन की मृत्यु हो गई। 2012 में संतोख बैन के बेटे कांधल जडेजा एनसीपी की टिकट पर कुतियाना विधानसभा सीट से विधायक बने। अगर खबरों की माने तो कहते हैं संतोख बैन 28 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर छोड़कर गई थी। आज भी गुजरात के पोरबंदर में संतोख बैन के नाम का डंका बजता है। तो दोस्तों, ये थी संतोख बैन जडेजा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।